बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं यूपी पाकिस्तान व्लॉग्स। आपका मेज़बान चौधरी सोहेब सालिक आपको खुश आमदीद कहता है। मारूफ अदाकार जाहिद अहमद ने निजी शो में बात करते हुए बताया, एक प्रोजेक्ट निजी चैनल पे नशर हुआ जिसमें मुझे दर्जी का किरदार निभाने के लिए कहा गया। दर्जी का किरदार निभाने के लिए जब कहा गया तो इस स्क्रिप्ट को देखने के बाद मैंने इस ड्रामे में साइन किया और अपने आप को इस किरदार में ढाला। जाहिद अहमद ने कहा कि मुझे कुछ दिन इस किरदार को समझने और दर्जियों के लाइफस्टाइल के मुताबिक रहने में लगे, लेकिन मैंने इनको करीब से ऑब्जर्व किया और सीखा कि इनके बोलचाल का अंदाज क्या होता है और किस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। अदाकार जाहिद अहमद ने कहा कि मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन इस किरदार में जो फरमाइश थी या जो इसकी डिमांड थी वो कराची के एक ट्रेडिशनल दर्जी के तौर पे आपने अपना किरदार लेके चलना था और लोग उस तरीके से बनानी थी, जुबान का लहजा और बोलने के अंदाज को उस तरीके से सेट करना था जिस पे काफ़ी मेहनत करनी थी। जाहिद अहमद ने कहा कि पहले मैंने रेडियो से काम का आगाज किया था, वक्त बदला और कैमरे के सामने आने का मौका मिला। हमने चांस लिया और अदाकारी के सिलसिले को वहां से शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसमें भी पसंद किया और आवाज के बाद शक्लो सूरत को भी थोड़ा बहुत अच्छा जानते हुए लोगों ने तारीफ की, जिसके बाद से ये सफर आज भी कायम है और मुख्तलिफ ड्रामा सीरीज में आपके लिए काम कर रहे हैं। अदाकार जाहिद अहमद एक स्टेज शो में, स्टेज ड्रामे में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के किरदार को भी निभा चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी थोड़ी बहुत कायदे आजम के हवाले से रिजेंबलेंस को काफ़ी ज़्यादा मशहूर किया जाता है और इनसे कहा जाता है कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ये जब मेहमान के तौर पे शिरकत करते हैं तो उस आवाज़ को या कायदे आजम की लबो लहजे में किसी भी किस्म की डायलॉग को बोल के सुनाएं। जाहिद अहमद ने बताया कि मैंने जब स्टेज पे ये प्रोग्राम किया था और कायदे आजम बनने का मुझे एजाज हासिल हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा और टीवी पे आने के बाद जब ये किरदार का लोगों को पता चलता है तो फिर लोग ये फरमाइश ज़रूर करते हैं कि आप कायदे आजम के हवाले से हमें किसी न किस्म के लबो लहजा बना के उनके अल्फाज सुनाएं और उनकी आवाज़ सुनाएं। जाहिद अहमद ने कहा कि कायद आजम रहमत अली जिन्ना रहमतुल्लाह के आवाज़ ढूंढना और उनके लब लहजे को मैच करते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियां भी पेश आई थी, क्योंकि अब के दौर में उनकी प्रॉपर आवाज़ को सुनना और उसका रिकॉर्ड हासिल करना एक दुश्वार अमल है।